हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज वीरवार को करनाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने भाजपा के जिला कार्यालय के शिलान्यास समारोह में शिरकत की एवं भूमि पूजन में हिस्सा लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति डालकर भाजपा कार्यालय के निर्विघ्न निर्माण की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यालय बनने के बाद कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा एवं पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का एक सपना था कि भारत के प्रत्येक जिले में भाजपा का कार्यालय होना चाहिए। उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर ही निर्भर है। जिले में बीजेपी का अपना कार्यालय होने से कार्यकर्ता मेहनत से पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर पाएंगे। बड़ौदा चुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक एवं जनमत बड़ा है। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, विधायक राम कुमार कश्यप, मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसके तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त होता जा रहा है एवं नौकरियां योग्यता के आधार पर मिल रही हैं। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। उसके हिसाब से तो जोश ना के बराबर है। एक बार फिर मेरे साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस कार्यालय शिलान्यास समारोह में उपस्थित जिनका एक नारा है हरियाणा एक हरियाणवी एक, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस सब नारे को साकार करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास कराया है। बहुत लंबे समय से ये मांग थी, ये खाली मांग नहीं थी, ये हर कार्यकर्ता की, जिसने आज 3 पीढ़ियां कार्यकर्ता की, भारतीय जनता पार्टी जो इस मुकाम पर पहुंची है, उन्होंने अपना जीवन होम किया, ये उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज हिंदुस्तान में जो हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उनका सपना था कि हर जिले के अंदर ये कार्यालय हो, और उन्होंने ये सपना पूरा करके खुद दिखाया। ये कोई वंश परंपरा की पार्टी नहीं है कि जो एक नेता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अध्यक्ष का पद पा गया तो उसके बाद उसी की संतान आगे अध्यक्ष बनेगी, वहां कोई प्रधानमंत्री का पद पा गया तो उसी की संतान आगे प्रधानमंत्री बनने का हक रखेगी, यह ऐसा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे 10 दिन पहले या महीना पहले तक भी कोई कह नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे। मोदी जी का तो मैंने नाम लिया है, यहां किसी का भी नहीं पता लगता, अंदाजे लगाते रहते हमारे मीडिया के मित्र और भविष्य वक्ता, लेकिन सब कार्यकर्ता मिल बैठ के विचार करते हैं कि ये कार्यकर्ता है जिसको इस दायित्व पर लगाया जाए तो सबको साथ लेके चलेगा। तो ऐसा पार्टी के सुदृढ़ करने के लिए आज इस कार्यालय की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमारे जीएल शर्मा जी और यहाँ के अपने कार्यकर्ता मिलकर के इसका निर्माण का कार्य भी जल्दी शुरू कराएंगे। शर्मा जी कोई टारगेट रखा है कि कब तक पूरा हो जाएगा कार्यालय? 6 महीने का टारगेट रखा है, जून के अंदर इस कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसको मैं अब तो ये कह सकता हूँ कि मेरा गृह जिला है, तो इस जिले में पार्टी के कार्यालय का आज कार्यक्रम हुआ है भूमि पूजन का, और एक प्रकार से शिलान्यास का ही है। इसके जल्दी तुरंत बाद कार्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा और 6 महीने में ये कार्यालय बनकर तैयार होगा। कार्यकर्ताओं के पार्टी के काम को और सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छा अवसर कार्यालय का निर्माण होता है।
हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 20 कार्यालय ऐसे हैं जिनका या तो निर्माण हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, निर्माणाधीन है, और केवल 2 स्थान बचे हैं, वो भी जल्दी। सर, पोखरियाल साहब को अवार्ड मिलने जा रहा है, शिक्षा मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हिंदी में, जो उन्होंने रचनाएं की हैं उसके लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पोखरियाल जी को। खैर, हिंदी साहित्य के अंदर जिन भी लोगों ने ये रचनात्मक काम किए हैं वो भी एक प्रकार की देश सेवा है, राष्ट्र सेवा है। उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है, इसके लिए उनको कोटिशा बधाई। और बड़ौदा चुनाव में मैंने खुले रूप से पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारा जनमत जो है वो बढ़ा है। ठीक है, हम कुछ वोटों से हारे हैं, लेकिन वो सीट इस प्रकार की थी कि हर एक सीट का अपना एक करेक्टर होता है, हर एक का उसका अपना एक पिछला इतिहास होता है। तो वो दूसरी पार्टियां लड़ने वाली थी, वो मुकाबला 2 में ही था, बाकी जो और लड़ने वाले थे उन्होंने उपचारता नहीं। सर, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या स्कूल बंद किए जाएंगे? क्योंकि बहुत ही ये चिंताजनक बात है, और निश्चित रूप से चूँकि बहुत समय से ये मांग दोनों तरफ की चल रही थी, कुछ लोगों का मत था कि स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, कुछ लोगों का मत था कि नहीं अभी नहीं खुलने चाहिए, आखिर को एक निर्णय करना था। बहुत समय हो गया था, अप्रैल से लेकर के और लगातार 7 महीने हो गया, बल्कि 8वां महीना चल रहा है, तो इतने लंबे समय तक पढ़ाई ना हो बच्चों की, इसमें भी आकर एक सोचने का विषय था। लेकिन चूँकि अब ये बच्चों में स्कूलों में ये प्रवेश कर गया कोरोना का मामला, तो निश्चित रूप से हम इसका पुनर्विचार ज़रूर करेंगे, निर्णय लेंगे उसका। 26 तारीख को हरियाणा से किसान बड़ी संख्या में जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है, कांग्रेस जो है इसको बरगलाती है, किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी उसमें उस चक्कर में आ जाते हैं, सब किसान नहीं है साथ में। पहले भी हम 2 बार देख चुके हैं, चाहे वो उनका रास्ता बंद करने का विषय हो, चाहे धरने देने की बात हो, कि बहुत बड़े किसान साथ नहीं लगे हुए हैं, परंपरागत रूप से जो कुछ यूनियंस के ग्रुप हैं वही लगते हैं, और वही इस बार भी लगेंगे। लोकतंत्र है, उनको करने में हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना ही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किसी को हाथ में नहीं लेने देते हैं। किस तरीके से देखते हैं? स्वागत है उनका, और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 3 साल बाद 6 साल बाद ये बदलता रहता है, तो इस बार बदल करके नए प्रभारी आए हैं, सह प्रभारी भी आई हैं, श्री विनोद तावड़े और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, तो उन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और वो 25 तारीख को हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, 4-5 दिन रुकेंगे। अधिकारी के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, लेकिन आगे कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, क्या गिरफ्तारी होगी अगर दोषी पाए जाते हैं? क्योंकि मामला दर्ज होता है लेकिन अधिकारी गिरफ्तार नहीं होते, ना ही सस्पेंड होते हैं, ना ही ट्रांसफर होते हैं। देखिए, हमारा पहला तो ये नियति आप समझ लें कि हमारी सरकार में कोई भी गलती करता है उसको हम उसका बचाव नहीं करते हैं, कहीं भी कोई भी मिल जाए वो फिर इस सरकार का समय का कर्मचारी है या अधिकारी है, इसलिए कोई हमारी जिम्मेवारी वो सरकार के अंदर चलाने वाले सरकार की वो कोई गलती नहीं होती है। कर्मचारियों के अंदर जो एक विकृति है उस विकृति को दूर करने के लिए, और हम उनको समझाते भी हैं पहले, और जब कोई गलती करता है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो भी दोषी होता है जितना दोष होता है उसके हिसाब से उसको दंड देते हैं। दबाव बना देते हैं, फिर कार्रवाई नहीं होती कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा भी कोई उदाहरण अगर आप देंगे कि किसी ने दोष किया और किसी ने दबाव बनाया, हमने उसमें से पीछे हटे, कभी नहीं हटे, पहले नहीं प्रदर्शन करते रहे, लेकिन हम उस दबाव के कारण से झुकते नहीं हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ठीक काम ठीक है, गलत गलत है, गलत काम के खिलाफ अगर कोई दबाव बनाएगा तो हम गलत काम को स्वीकार नहीं करते हैं कभी भी। मैं तो चाहता हूँ ना कि पार्षदों ने ये कहा तो पार्षदों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, यही होना चाहिए, सब जगह यही होता है, हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा उसका विवाद नहीं होता है, पार्टी के नाते से जो भी बैठ के तय किया जाता है सरसम्मति। कांग्रेस का काम है MBBS का, जहाँ तक विषय है मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, बहुत प्रदेशों ने इस प्रकार की बॉन्ड की व्यवस्था की हुई है, हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। अभी तक क्या होता है कि डॉक्टर MBBS बनने के बाद, MD करने के बाद वो हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में सामान्यतः चले जाते हैं। हमने उसमें ये कहा कि जो प्राइवेट नौकरी में जाएगा उसी को फीस देनी पड़ेगी, जो सरकारी नौकरी करेगा उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये केवल मात्र बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो आपको अपने पास से पैसे भरने हैं, अन्यथा ये सरकार का पैसा है। हम जो बैंक से उनको लोन करा के बॉन्ड लिया है उसको अलग एक ट्रस्ट में रखते हैं, उसी ट्रस्ट में से वो पैसा वापस बैंक में जाता है। हमने प्रबंध किया है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आएंगे हम उनको सब काम लेंगे,
सरकारी नौकरी देंगे, अन्यथा कोई और तरीका निकालेंगे। जो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज से पढ़ेगा इस वर्ष से, उनको सबको नौकरी देने का प्रबंध करेंगे। और अगर मानो किसी को नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि उसके जो ए श्रेणी के कॉलेज हैं उनका 90% वो हम सरकार वहन करेगी, जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। 20% का उसका भी 75% हम वहन करेंगे, इसलिए कोई उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, नौकरी देने की स्थिति हमारी है। कारण ये है कि आज जो वर्ल्ड लेवल के मापदंड हैं वो है 1000 व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। उस हिसाब से हमको आज हरियाणा में 27,000 डॉक्टर चाहिए। आज हम सिर्फ सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर मिला करके 13 से 14,000 हैं। आज भी इस समय भी 13,000 लोगों की हमको आवश्यकता है। हम उसी हिसाब से इन डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हम 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर दे सकें, इसकी योजना बनाएंगे। और ये कोई आज से शुरू नहीं करना, ये 6 साल बाद शुरू करना, 5 साल बाद शुरू। छठ पर्व की क्या तैयारी है? छठ पर्व पर हमने सबको अपील की है कि भीड़ न करें। ये जब होगा तो ये जब होगा तो बताएंगे। अभी उसमें टाइम अभी टाइम रुके हुए हैं, चालू करा देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.